नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जिस ट्रेन की जानकारी देने वाले हैं वह ट्रेन है गीतांजलि एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, गीतांजलि एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर है 12860। गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच रोजाना चलती है। हावड़ा जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की दूरी 1962 किलोमीटर है। इस दूरी को यह गाड़ी 22 घंटा 15 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 44 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर घंटा है। गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से चलकर राउरकेला, बिलासपुर जंक्शन, नागपुर, भुसावल जंक्शन, नासिक रोड होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के हो जाती है। इस गाड़ी के टिकट किराया जो कि हावड़ा जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक का है, सेकेंड एसी 2935 रुपया, थर्ड एसी 2035 रुपया, थर्ड एसी इकोनॉमिक 1920 रुपया, स्लीपर क्लास 780 रुपया। इस गाड़ी का दूसरे स्टेशनों तक का किराया टिकट जानने के लिए रेलवे के वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने समय अनुसार हावड़ा जंक्शन से दोपहर 2:05 पर 21 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ती है। इसके बाद यह गाड़ी खड़गपुर जंक्शन को दोपहर 3:40 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 3:45 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 115 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी टाटानगर जंक्शन को शाम को 5:41 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 5:48 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 7 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 248 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी चक्रधरपुर स्टेशन को शाम को 6:45 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 6:47 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 310 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी राउरकेला स्टेशन को रात को 8:12 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 8:20 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 8 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 411 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी झारसू गुड्डा जंक्शन को रात को 9:53 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 9:55 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 512 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी रायघर स्टेशन को रात को 10:98 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 11 वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 584 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बिलासपुर जंक्शन को रात को 1:03 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 1:15 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 716 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी रायपुर जंक्शन रात को 2:45 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 2:50 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 827 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी दुर्ग स्टेशन को रात को 3:45 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 3:50 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 864 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी राज नंदगांव स्टेशन को सुबह 4:12 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 4:14 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 895 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी गोंदिया जंक्शन को सुबह 5:40 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 5:42 वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 999 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी भंडारा रोड स्टेशन को सुबह 6:29 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 6:31 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1067 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी नागपुर स्टेशन को सुबह 7:40 पर
तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 7:45 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1129 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी वर्धा जंक्शन को सुबह 8:48 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 8:50 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। वर्धा जंक्शन तक यह गाड़ी 1208 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बडनेरा जंक्शन को सुबह 10:32 पर पहुँचती है और 10:35 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1303 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी अकोला जंक्शन को दिन में 11:30 पर पहुंचती है और 11:35 वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1382 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी सेगांव स्टेशन को दोपहर 12:03 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 12:05 वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1419 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी मलकापुर स्टेशन को दोपहर 12:43 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 12:45 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1471 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी भुसावल जंक्शन को दोपहर 1:45 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 1:50 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1521 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी जलगांव जंक्शन को दोपहर 2:18 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है, 2:20 पर खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1545 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी नासिक रोड स्टेशन को शाम को 5:05 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 5:10 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1768 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी कल्याण जंक्शन को रात को 8:02 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 8:05 में वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1911 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी दादर स्टेशन को रात को 8:47 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 8:50 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1953 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन को 1962 किलोमीटर कवर करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को रात को 9:20 पर 18 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। दोस्तों, गीतांजलि एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।